हाय एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। वेलकम बैक टू साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोमांटिक एज को। रोमांटिक एज का कंप्लीट हम रिवीजन करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि काफी सारे फेमस पोएट हैं इसमें, बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, कुछ नॉवेलिस्ट भी हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम कंप्लीट ही इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये जो एज है रोमांटिक एज, ये 1798 से स्टार्ट होती है और 1850 तक चलती है। 1850 में जब विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है तो उनकी डेथ के साथ ही ये एज खत्म हो जाती है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर जो है इसमें, जो पोएट है हमारे, जो फादर फिगर है, विलियम वर्ड्सवर्थ। रोमांटिक एज जो है वो इंस्पायर्ड है, जो रोमांटिक एज, इंग्लिश रोमांटिक एज शुरू हुई थी वो किससे इंस्पायर है? जर्मन रोमांटिसिज्म से। जर्मन रोमांटिसिज्म, इसमें एक मूवमेंट आया था स्प्रंग एंड ड्रंग के नाम से। ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था स्प्रंग एंड ड्रंग, इस मूवमेंट से इंस्पायर्ड हुई है इंग्लिश रोमांटिक एज। और विलियम वर्ड्सवर्थ इसमें फादर फिगर माने जाते हैं रोमांटिक एज के, इंग्लिश रोमांटिक एज के। वोल्टर पीटर ने फ्रेज यूज किया है रोमांटिसिज्म के लिए, द एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस, और वॉट्स डंटन ने बोला है रेनेसा ऑफ वंडर। विलियम वर्ड्सवर्थ इज नोन एज फादर ऑफ रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर। तो रोमांटिक एज में जो पोइट हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है फर्स्ट जनरेशन पोइट और एक है सेकेंड जनरेशन पोइट। फर्स्ट जनरेशन में आते हैं वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलेज और रॉबर्ट साउदी, और सेकेंड जनरेशन में है लॉर्ड बायरन, पी बी शैले, जॉन किट्स और भी हैं काफी सारे जो सेकेंड जनरेशन के पोइट माने जाते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो रोमांटिक एज की पोइट्री का है, रोमांटिक एज की जो पोइट्री है वो हाईली सब्जेक्टिव थी नेचर में, ठीक है। तो ये जैसे वर्ड्सवर्थ मानते थे कि जो थीम है वो कॉमन मैन की यूज करनी चाहिए, कॉमन मैन के बारे में लिखना चाहिए, इस तरह से इनकी जो थॉट है वो हाईली सब्जेक्टिव थी नेचर में। इनकी पोइट्री की जो फॉर्म है वो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। और ये जो सेकंड जनरेशन वाले पोइट है बायरन, सैली, किट्स, इनको कुकनी स्कूल ऑफ पोइट भी बोला जाता है, तो ये भी आप नोट कर लेना, कुकनी स्कूल ऑफ पोइट, लॉर्ड बायरन, सैली और कीट्स, ये आते हैं इसमें। विलियम वर्ड्सवर्थ की अगर हम बात करें, 1770 में बर्थ होता है, 1850 में इनकी डेथ हो जाती है। वैसे मैं ऑलरेडी वर्ड्सवर्थ पे वीडियो बना चुका हूँ, वर्ड्सवर्थ पे, पी बी शैले पे, रॉबर्ट साउदे पे और एस टी कॉलरेज पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। इसी जो ये प्लेलिस्ट है इसमें आपको सारी की सारी वीडियोज मिल जाएंगी, तो इसलिए मैं थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करूंगा। ये पहला इनका एक प्ले है द बॉर्डर। ये बॉर्डर जो है वो एकमात्र ट्रेजेडी लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ट्रेजेडी, फाइव एक्ट की ट्रेजेडी है जो सेट किया गया है हेनरी थर्ड के टाइम पे, बस इतना याद कर लो इसमें। उसके बाद प्रिल्यूड है, प्रिल्यूड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, मैग्नम ओपस भी बोला जाता है। 1805 में इन्होंने लिखना शुरू किया था और इसको 1850 में पब्लिश किया गया है, इनकी डेथ के बाद पोस्टमसली पब्लिश हुआ है। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, 14 बुक्स है और लास्ट वाली बुक जो है वो अनफिनिश्ड है। जॉन मिल्टन अपीयर होते हैं इस बुक में, ये लाइन देख लेना, पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, पैंथिज्म फिलोसफी को यूज किया है जिसमें गॉड के हर जगह होने की प्रेजेंस, मतलब प्रेजेंस ऑफ गॉड की बात की जाती है, उसको बोलते हैं पैंथिज्म फिलोसफी। उसके बाद नेक्स्ट इनकी पोएम है टिंटन एबे। टिंटन एबे फुल टाइटल है, लाइन कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबे। इसमें ओपनिंग लाइन है फाइव ईयर पास्टेड, और जो इसमें लिसनर है, साइलेंट लिसनर, डोरोथी वर्ड्सवर्थ है, वर्ड्सवर्थ की बहन। उसके बाद नेक्स्ट वेस्टमिंस्टर ब्रिज, ये एक 14th नंबर इनका सोनेट है, पेटाचन स्टाइल में लिखते थे, 8+6 ये पेटाचन स्टाइल होता है, ऑक्टेव प्लस सस्टेट, ठीक है, इसको पेटाचन स्टाइल बोलते हैं। इस स्टाइल में ये सोनेट लिखते थे और इस सोनेट को स्टडी किया है क्लिंथ ब्रुक्स ने अपनी एक बुक द वेल रोट अर्न, इस बुक में स्टडी किया है द वेल रोट अर्न में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये, 11 चैप्टर है इसमें, लास्ट वाला चैप्टर है हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, वो काफी बार पेपर में पूछा गया है। उसके बाद लूसी पोएम्स है, इसमें 5 पोएम है, सीरीज है ये, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, शी डवेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, 3 ईयर्स शी ग्रू इन सन एंड शावर, स्लंबर डिड माई स्पिरिट सील। इसमें लूसी एक नाम की एक लड़की है जिसकी अर्ली एज में ही डेथ हो जाती है, उसके बारे में डिस्कस किया है वर्ड्सवर्थ ने। लाउडामिया नेक्स्ट पोएम है, ट्रोजन वॉर पे बेस्ड है। लाउडामिया इसकी वाइफ होती है प्रोटिलस, ये प्रे करती है अपने हस्बैंड के लिए कि वो सुरक्षित वापस आ जाए वॉर से।
उसके बाद डेफोडिल्स, डेफोडिल्स इज मोस्ट फेमस फॉर लाइन आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। देन नेक्स्ट है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसको स्टार मार्क कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है, आपको लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़नी है। मैंने इस पे कंप्लीट वीडियो बनाया है फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है और लाइन टू लाइन डिस्कस भी किया है, तो वर्ड्सवर्थ की पोएम वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें वो वीडियो मिल जाएगी। इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन में काफी सपोर्ट किया है वर्ड्सवर्थ ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को। ओपनिंग लाइन है इसकी, बट इन द वेरी वर्ल्ड विच इज द वर्ल्ड ऑफ ऑल ऑफ अस, द प्लेस वेयर इन द एंड वी फाइंड अवर हैप्पीनेस और नॉट एट ऑल, एक इंपॉर्टेंट लाइन है। ब्लिस वॉज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन ऑल टाइम्स। इसमें ये बोल रहा है कि उन लोगों के लिए एक ब्लिस है जो अभी जीवित है, बट टू बी द यंग वॉज वेरी हेवन, मतलब जो पहले जा चुके हैं यानी कि इस टाइम पे नहीं है, उन लोगों के लिए एक ब्लिस है, और जो अभी युवा है जो लोग हैं उनके लिए एक हेवन की तरह है, जो भी प्रेजेंट रहे हैं इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में, यानी कि जो भी जिन्होंने भी हिस्सा लिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, उनके लिए जो युवा लोग हैं उनके लिए किसी हेवन से कम नहीं है ये मूवमेंट। उसके बाद रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये सबटाइटल है इसका लीच गैदरर, इसमें दो पोइट्स को डिस्कस किया है इसने, दो पोइट्स की बात इनके लिए फ्रेज यूज किए हैं, द मार्वेलस बॉय यूज किया है चैटरटन के लिए, और ऑफ हिम हु वॉक्ड इन ग्लोरी एंड जॉय ये यूज किया है रॉबर्ट बांस जिनको प्लोमेन पोइट और पेजेंट पोइट भी बोला जाता है। उसके बाद है सॉलिटरी रीपर, नेक्स्ट इनकी पोइम है सॉलिटरी रीपर, इसमें भी एक लड़की के बारे में बात कर रहा है जो कि खेत में फसल काट रही है अपनी, सी इज अलोन इन द फील्ड एंड सिंगिंग सैड सॉन्ग, वो सैड सॉन्ग गा रही है, और लाइन है इसमें अलोन सी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन एंड सी सिंग्स मेलनकली स्ट्रेन, यानी कि वो सैड सॉन्ग गा रही है साथ में फसल काट रही है, उसके बारे में है ये पोएम। उसके बाद लंडन है अगली पोएम जो मिल्टन को प्रेज किया है इसने, इंग्लिश पीपल एज स्टेग्नेंट एंड सेल्फिश एंड प्रेज 17th सेंचुरी पोएट जॉन मिल्टन को प्रेज किया है इसमें, ये याद रखना लंडन वाली पोएम में। उसके बाद है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये पोएम भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट द फ्रेंच रेवोल्यूशन की लाइंस है, इसकी भी लाइंस पढ़नी है, ये एक सोनेट है। इसमें वर्ड्सवर्थ ने क्रिटिसाइज किया है उन लोगों को जो नेचर से दूर हो गए हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से लोग एकदम से सेल्फिश हो गए थे और नेचर से दूर हो गए थे, इसमें उनको क्रिटिसाइज किया है, और इसने दो सी गॉड भी मेंशन किया इसमें, प्रोटियस एंड ट्राइटन। रेनबो है अगली पोएम, माई हार्ट लीप्स व्हेन आई बिहोल्ड, इसमें चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन ये लाइन है। उसके बाद एक्सकर्जन है, टू द कुकू है, नटिंग ये सिर्फ टाइटल पढ़ लो, ओड ऑन इमोरलिटी, और दिस पोएम इज इरेगुलर पिंडारिक ओड इन 11th स्टेंजा, पिंडारिक ओड में लिखी गई है, पिंडार एक क्लासिकल राइटर है उनके स्टाइल को कॉपी किया गया है। सबसे पहले वैसे इंग्लिश में पिंडारिक ओड लिखना शुरू किया है अब्रम काउले ने, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेफरेंस। देन वी आर सेवन, देन द टेबल टर्न, टेबल टर्न एक बार पढ़ लेना इसकी समरी, ये इंपॉर्टेंट है पोएम द टेबल टर्न। इसमें वर्ड्सवर्थ ने बोला है कि जो बुक्स हैं वो एम्प्टी नॉलेज प्रोवाइड करती है, वो बैरन लीव्स की तरह है, सूखे पत्तों की तरह है, लेकिन नेचर को इसने बताया है कि नेचर बेस्ट टीचर है, नेचर हमें बहुत कुछ सिखाती है। उसके बाद नेक्स्ट पोएम है एल्जाइक स्टेंजा, द इडियट बॉय, इडियट बॉय, साइमन ली और माइकल, इन तीन पोएम के लिए एसटी कॉलरेज ने विलियम वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि इन पोएम्स में उन्होंने कॉमन मैन की लैंग्वेज को यूज नहीं किया है, कॉमन थीम नहीं है इन पोएम्स में। उसके बाद द वैगनर है, ये डेडिकेट किया गया चार्ल्स लैम को, और पीटर बेल, देन द स्काईलार्क, स्पैरोज नेस्ट, द रून कॉटेज, द थ्रोन, द थॉर्न और लूसी ग्रे, ये पोएम सारी इंपॉर्टेंट है, टाइटल सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो पढ़ने के लिए मैंने आपको बोला है वो पोएम प्लीज आप अच्छे से एक बार लाइन टू लाइन पढ़ लेना, दिस इज ऑल अबाउट वर्ड्सवर्थ। एक चीज और रह गई है उसकी, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट। अब लिरिकल बैलेट जो है, लिरिकल बैलेट को लिखा है एसटी कॉलरेज ने और विलियम वर्ड्सवर्थ ने, टोटल पोएम है 23, जिसमें से चार पोएम लिखी है एसटी कॉलरेज ने और 19 पोएम लिखी है वर्ड्सवर्थ ने। ओपनिंग पोएम है उसमें राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर और लास्ट पोएम है टिंटन एबी। उसके बाद प्रीफेस लिखा गया, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, इसको लिखा था 1800 में, वर्ड्सवर्थ ने लिखा है इसको, तो ये याद रखना, इसकी डेट पहले पेपर में आ चुकी है।
अब अगले राइटर है, पोइट है हमारे एस टी कॉलरेज, सैमुअल टेलर कॉलरेज। ये एक मिस्टीरियस चीजों को ज्यादा ढूंढते नेचर में, ये 1732 में इनका बर्थ होता है, 1834 में डेथ हो जाती है। राइम ऑफ एंशंट मारिनर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है। ओपनिंग सीन सेट किया गया है वेडिंग डे पे, और जो बाकी की स्टोरी है वो सी वॉयज के ड्यूरिंग सेट की गई है। उसमें जो 200 सेलर होते हैं वो उसमें से एक जो मारिनर है वो एक बर्ड को मार देता है, उस बर्ड का नाम था एल्बेट्रोस, जिसकी वजह से गॉड उनको पनिश करता है। उनका समुद्र में जो पानी है वो जम जाता है, बिल्कुल हिल नहीं सकते वो, और इस मारिनर को पनिशमेंट दी जाती है कि तुम इस एल्बेट्रोस को गले में लेके घूमोगे और हर जगह पे अपनी स्टोरी नरेट करोगे, जो भी कोई मिलेगा तो उसको आप स्टोरी नरेट करोगे। इसमें कोटेशन इंपॉर्टेंट है, वॉटर वॉटर एवरीवेयर एंड ऑल द बोट डिड श्रिंक, वॉटर वॉटर एवरीवेयर वेयर नोर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, पूरा पानी जम गया था, एक बूंद पानी पीने के लिए नहीं बचा था उन लोगों के लिए। ही प्रेथ वेल हु लवथ वेल, इसमें बोला है कि नेचर के जितने भी जो पशु पक्षी हैं सब गॉड ने बनाए हैं, तो उनसे प्यार कीजिए ना कि उनको मारिए, ये मैसेज दिया यहाँ पे एस टी कॉलरेज ने। उसके बाद है क्रिस्टाबेल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है। ये क्रिस्टाबेल इसमें एक तरह से एक सस्पेंस यूज किया है, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे क्रिस्टाबेल में यूज किया है एस टी कॉलरेज ने। इसमें एक लड़की होती है जेरल्डाइन, तो वो जंगल में जाती है और वहां पे उसको मिलती है ये क्रिस्टाबेल। तो इसने जो जेरल्डाइन है इसने पूरे व्हाइट कपड़े पहने हुए थे, लेकिन कहीं पे भी विच वर्ड यूज नहीं किया। रियल में ये एक विच है जेरल्डाइन, लेकिन एस टी कॉलरेज ने कहीं भी विच वर्ड यूज नहीं किया है उसके लिए। तो ये क्रिस्टाबेल उसको अपने घर ले जाती है, उसको पता नहीं होता कि एक विच है। तो कुछ सिंबल दिखाए गए हैं इसमें जिससे पता चलता है कि ये लड़की एक विच है। जब वो क्रॉस करती है मैस्टफ ब्रिज, ब्रिज क्रॉस नहीं कर पाती, आयरन गेट को क्रॉस नहीं कर पाती क्योंकि वो कोलैप्स हो जाती है वहां पे, रिफ्लेक्शन क्रिएटेड बाय फायर उसका सामना नहीं कर पाती, डिनाइल ऑफ प्रेयर वो प्रेयर करने के लिए मना कर देती है, टॉकिंग टू हर डेड मदर, और जो क्रिस्टाबेल है उसकी डेड मदर के साथ भी वो बात करती है, मोल नियर हर ब्रेस्ट, और उसकी ब्रेस्ट के नजदीक एक मोल होता है, बड़ा सा तिल है, जिससे साफ पता चलता है कि ये एक विच है। लेकिन एस टी कॉलरेज ने ये वर्ड यूज नहीं किया, तो इसको बोलते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। नेक्स्ट पोएम है द पेन ऑफ स्लीप, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है कुबला खान, अल्टरनेट टाइटल है ए विजन ऑफ ड्रीम और सब टाइटल है ए फ्रेगमेंट। ये किससे इंस्पायर होकर लिखा है, एस टी कॉलरेज उस टाइम पे एक बुक पढ़ रहे थे पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज बाय सैमुअल पर्चेस ने लिखा है पिलग्रिमेज, इट इन्फ्लुएंस्ड हिम टू राइट कुबला खान। और इसमें ये भूल जाता है जब ये अपनी स्टोरी लिखता है, क्योंकि बीच में कोई आ जाता है, पारलोक से कोई आता है जो इसको डिस्टर्ब कर देता है और ये अनफिनिश्ड रह जाती है, जिसकी वजह से he left it unfinished and kept it for private reading for his friend until 1816 when at the prompting of Lord Byron it was published. जब इसको लॉर्ड बायरन ने कहा था इसको प्रमोट करने के लिए, तब इसको जाके पब्लिश किया गया, ठीक है, उससे पहले ये पब्लिश नहीं हुई थी। Then next है the fall of Robespierre, ये तीन एक्ट का प्ले है, तीन एक्ट है इसमें और तीन राइटर ने मिलकर लिखा है, रॉबर्ट लवेल, साउदे और एस टी कॉलरेज। उसके बाद डिजेक्शन एंड ओड, इट वॉज रिटन टू द रिप्लाई ऑफ रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस, वर्ड्सवर्थ का रेजुलेशन इंडिपेंडेंस है उसके रिप्लाई में लिखा गया है। उसके बाद यूथ एंड एज सिर्फ टाइटल, देन इनके कुछ पोएम है जिनको बोलते हैं कन्वर्सेशनल पोएम, और इसमें आती है द एलियन हार्प, रिफ्लेक्शन ऑन हैविंग लेफ्ट ए प्लेस ऑफ रिटायरमेंट, दिस लाइम ट्री बोवर, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, द नाइटिंगेल, डिजेक्शन एंड ओड टू विलियम वर्ड्सवर्थ, ये सारी पोएम इनकी आती है कन्वर्सेशनल पोएम। उसके बाद अगली पोएम है इनकी लव, इस लव वाली पोएम ने जॉन किट्स को इंस्पायर किया है लिखने के लिए, ला बेले डेमसेंस मर्सी, ये एक पोएम लिखी है जॉन किट्स ने, ला बेले डेमसेंस मर्सी, कहां से इंस्पिरेशन लेकर, एस टी कॉलरेज की इस पोएम से, लव से, राइट। नेक्स्ट उसके बाद है बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये राइटर एज ए क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से एस टी कॉलरेज वर्ड्सवर्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, 1817 में इसको पब्लिश किया गया है, ये ऑटोबायोग्राफिया लिटरेरिया भी इसको बोला जाता है। और इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके टर्म्स हैं, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, फैंसी एंड इमेजिनेशन। इमेजिनेशन दो टाइप की होती है, प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन। सेकेंडरी इमेजिनेशन को इसको एस्मे प्लास्टिक भी बोला है, ये क्वेश्चन आ चुका है नेट में, एस्मे प्लास्टिक और
डिफ्यूज डिस्ट्रॉय एंड टू रिक्रिएट, क्योंकि उसमें रिक्रिएशन की पावर होती है जो हमारी सेकेंडरी इमेजिनेशन होती है उसमें, तो उसको डिफ्यूज और डिस्ट्रॉय करने के बाद रिक्रिएट करने की पावर होती है, ऐसा भी बोला है वर्ड्सवर्थ, सॉरी इसने एसटी कॉलरेज ने। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है रॉबर्ट साउदे। रॉबर्ट साउदे पोएट लॉरेट रहा है 1813 से लेकर 1843 तक। इनकी डेथ के बाद वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेट बनता है 1843 से लेकर 1850 तक। इनका इनकी पोएम है मैडॉक, 12th सेंचुरी, कुछ ज्यादा पढ़ने का नहीं है। कर्स ऑफ केहामा, ये 12 बुक्स में है और इसमें कुछ इंडियन मिथ को भी यूज किया गया है। प्रिस्ट केहामा इज एबल टू गेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द डिमोनिक पावर, कौन से इसमें इंडियन गॉड की बात की गई है, लॉर्ड शिवा है इसमें। ठीक है, इसको पढ़ लेना एक बार, लेकिन इंडियन गॉड की बात है लॉर्ड शिवा। ठीक है, इनका रेफरेंस मिलता है इस वर्क में, कर्स ऑफ केहामा। उसके बाद है द लेटर फ्रॉम इंग्लैंड। रॉबर्ट साउदे ने इस वर्क में सबसे पहले अपना पेन नेम यूज किया है डॉन मैनुअल अल्वारेज, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। उसके बाद इंचेप्रोक, सिर्फ टाइटल करना है। उसके बाद थलाबा द डिस्ट्रॉयर, थलाबा इसमें कुछ सॉर्सरर होते हैं, कुछ चोर उचक के टाइप के लोग हैं जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं एक जगह पे एक फैमिली को, तो वहां से उसमें ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो एक यंग लड़का होता है जिसका नाम होता है थलाबा, वो वहां से भाग जाता है और लोगों को सेल्फ डिफेंस सिखाता है, जाके एक डेजर्ट लैंड पे जाता है, वो वहां पे सेल्फ डिफेंस सिखाता है ताकि आगे कभी ऐसा हो तो वो अपना बचाव कर सके। ये है थलाबा द डिस्ट्रॉयर। उसके बाद है गोल्डी लॉक्स एंड थ्री बियर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़ी पॉपुलर टेल है, ये फेरी टेल्स है इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके बाद है द हिस्ट्री ऑफ ब्राजील आफ्टर ब्लेन, देन जोन ऑफ आर्क, द डेविल्स थॉट, हिस्टोरिकल पोएम है इन कॉमन मीटर बाय सैमुअल टेलर कॉलरेज, पब्लिश इन 1719 एंड एक्सपेंड बाय रॉबर्ट साउदे इन 1827। रीटाइटल दिया गया है द डेविल्स वॉक, ए डेविल्स वॉक लिखा था, हाँ द डेविल्स थॉट जो लिखा है एसटी कॉलरेज ने, उसको फिर द डेविल्स वॉक के नाम से रॉबर्ट साउदे ने लिखा, यहाँ पे डेविल्स वॉक आएगा। ठीक है, इसको एक्सपेंड किया गया था डेविल्स थॉट को। उसके बाद है इंग्लिश इकोलॉग्स ए विजन ऑफ जजमेंट, और हाँ ए विजन ऑफ जजमेंट, और द विजन ऑफ जजमेंट है पीबी शेली का, उसमें रॉबर्ट साउदे पे अटैक किया गया है। नेक्स्ट हमारे पोइट है, सेकंड जनरेशन के पोइट शुरू हो गए यहाँ से, पीबी शेली। ये एक रिवोल्यूशनरी पोइट है, रिवोल्यूशन ढूंढता है, ये मानता है कि नेचर जो है वो रिवोल्यूशन लेके आती है, नेचर ही डिस्ट्रॉयर है, नेचर ही क्रिएटर है। ये मेंबर रहा है विजनरी सोसाइटी का, और जो दूसरे मेंबर है विजनरी सोसाइटी के, ले हंट, थॉमस लव पीकॉक, लॉर्ड बायरन, जॉन किट्स, मैरी शेली और विलियम गोडविन, ये आते हैं विजनरी सोसाइटी के मेंबर हैं ये। इनका एक वर्क है नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, ये वर्क इन्होंने लिखा, एक लेटर लिखा था इन्होंने, क्या किया, जितने भी प्रोफेसर थे थियोलॉजी के वो सबको कुरियर कर दिया एक एक लेटर। तो इसमें गॉड के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाया गया था, टीजे होग के साथ मिलकर लिखा था, तो इसकी वजह से इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो पीबी शेली है उसको कॉलेज से एक्सपेल कर दिया गया था, लेकिन टीजे होग को नहीं किया गया क्योंकि इनका कोई रिलेटिव था, कोई जानकार था वहां पे, जिसकी वजह से ये बच गया और उस भाई साहब को निकाल दिया गया। नेक्स्ट इनका वर्क है जेस्ट्रोजी। जेस्ट्रोजी ये गॉथिक फिक्शन है, एपिग्राफ लिया गया है बुक सेकंड से, पैराडाइज लॉस्ट इस बुक से। उसके बाद सेंट आर्विन है, सबटाइटल है रोमांस, इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वीन मैप ये इंपॉर्टेंट है 1813 में, इसकी डेट भी याद रखना। ये एक विलियम गोडविन इनके फादर इन लॉ है, उनके एक वर्क पे बेस्ड है आइडिया ऑफ नेसेसिटी, फिलोसॉफिकल पोएम है, 9 कैंटोज 17 नोट्स, रिपब्लिश दोबारा से किया गया 1816 में, किस नाम से, द डेमन ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद है एलास्टर, एलास्टर अल्टरनेट टाइटल है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, थॉमस लव पीकॉक ने इसका टाइटल दिया है और थॉमस लव पीकॉक ने बोला है इसको इविल जीनियस। ठीक है, और एक वर्क है द वंडरिंग ऑफ ओजिन, ये बेस्ड है एलास्टर पे, ये शायद किसने लिखा है, डब्ल्यू बी यीट्स का वर्क पोएम है ये बेस्ड है किस पे, एलास्टर पे। और नेक्स्ट है द मास्क ऑफ अनार्की, मास्क ऑफ अनार्की इसका प्रीफेस लिखा है ले हंट ने, पॉलिटिकल पोएम है नॉन वायलेंस के बारे में, एंड ये एक इवेंट को फॉलो करती है पेटरलू मैस्करेड।
दिस पोएम बिगिंस विद थ्री इमेजेस, गॉड, किंग एंड लॉ. इंपॉर्टेंट लाइन है. इट इज ए ग्रेट असेंबली बी और द फियरलेस ऑफ द फ्री. लास्ट लाइन इसकी, विच इन स्लीप हैड फॉलन ऑन यू, यू आर मैनी, दे आर फ्यू. इसमें ए विजन ऑफ दिस पोएम टेकन, यहाँ से रेफरेंस लिया गया है. एच डी थोरू ने यूज किया है अपने एसे में सिविल डिसोबिडेंस में, और बाद में महात्मा गांधी ने यूज किया है सत्याग्रह में. नेक्स्ट पोएम है द सेंसी, ए ट्रेजेडी इन फाइव एक्ट्स. इसमें थीम है इंसेक्ट एंड पेट्रीसाइड की. कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें. एट्रीब्यूट किया गया है गुडियो रेनी को. ए पेंटिंग दैट इंट्रीब्यूट सेलीज पोएटिक इमेजिनेशन. इसमें ये जो पोर्ट्रेट की है ना उसने, इसका नाम याद रखना बिट्राइस सेंसी, ये नाम है इसका बिट्राइस सेंसी, जिसने ये पोर्ट्रेट बनाई थी. उसके बाद नेक्स्ट पोएम है ओजीमांडियस 1818. इसमें सैली ने पेन नेम यूज किया है ग्लिरास्टस. ये एक सोनेट है, कोलेब्रेशन में लिखा है होरेस स्मिथ के साथ. ओजीमांडियस एक इजिप्शियन किंग है, फेरोहा रमेसिस सेकंड नाम दिया गया है. यहां से ओपनिंग लाइन इंपॉर्टेंट है इसकी, आई मेट ए ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड. ये एंटीक लैंड टाइटल लिया है किसने, आई थिंक अमिताभ घोष का वर्क है एन एंटीक लैंड. हाँ, ये लिखा हुआ है रेफरेंस. अमिताभ घोष टुक द टाइटल फॉर हिज बुक एन एंटीक लैंड फ्रॉम दिस पोएम. नेक्स्ट पोएम है जूलियन एंड मेडालो. इसमें जूलियन और मेडालो दोनों के बीच में कन्वर्सेशन है. जूलियन रिप्रेजेंट करता है पी बी सैले को और मेडालो रिप्रेजेंट करता है लॉर्ड बायरन को. प्रोमेथियस अनबाउंड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है अच्छे से डिटेल में. 1820 में चार एक्ट का ड्रामा है ये, क्लासिकल ड्रामा से इंस्पायर होकर लिखा है. ट्रायलॉजी है एस्किलस की, बहुत ही फेमस ट्रायलॉजी है. ट्रायलॉजी में कौन कौन से वर्क आते हैं, कौन कौन से ये तीन ड्रामा आते हैं वो आपको याद करने हैं एस्किलस की ट्रेजेडी में. तो इसमें फाइट होती है जुपिटर और प्रोमेथिया के बीच में. डेमोगोर्गन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें, और एक है पैंथिया, पैंथिया ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना. उसके बाद एडोनियस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनका. 1821 में ये एलिजी लिखी है जॉन किट्स की डेथ पे, स्पेंसेरियन स्टैंजा में लिखा गया है. और स्पेशली एडोनियस में पी बी सैले ने क्वार्टरली रिव्यू के जो एडिटर थे उनको स्टेराइज किया है इसमें. और वो कौन कौन थे, क्योंकि वो पी बी सैले का मानना था कि जॉन किट्स की इतनी अच्छी अच्छी पोएम्स हैं, इसके बावजूद भी उनका क्रिटिसिज्म किया गया है. और वो क्रिटिसिज्म किया था क्वार्टरली रिव्यू के जो रिव्यूअर थे, जो एडिटर थे उन्होंने, और उनके नाम थे, उनके लिए फ्रेज यूज किए हैं. नेमलेस वर्म बोला है जॉन विल्सन क्रूकर को, और नोटलेस ब्लड बोला है विलियम जेफर्ड को. लेकिन किसी को प्रेज भी किया है इसमें, जिसने बड़ा ध्यान रखा था जब वो डेथ बेड पे था जॉन किट्स, तो जोसेफ सेवरन ने काफी उनकी सेवा की थी. तो इस बंदे को, जोसेफ सेवरन को, पी बी सैले ने क्या किया है, प्रेज किया. नेक्स्ट पोएम टू ए स्काईलार्क, ओपनिंग लाइन है हेल टू दाई ब्लिथ स्पिरिट. ब्लिथ स्पिरिट, ये यहां से नियोल कावर्ट ने एक टाइटल लिया है, ये लिखा हुआ है नियोल कावर्ट, टाइटल टेकन फ्रॉम दिस पोएम. ब्लिथ स्पिरिट का टाइटल लिया है. और इंपॉर्टेंट लाइन है, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल अस द सैडेस्ट थॉट. मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन यहां से, इसलिए लाइन अच्छे से याद करनी है. द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम 12 कैंटोस में लिखा गया है, लावन एंड सिंथिया के नाम से इसको पब्लिश किया गया है. और उसके बाद है हेलास, ये मास्टरपीस माना जाता है पी बी सैले का. 1821 में लिखा है, 1822 में इसको पब्लिश किया गया है, ठीक है. उसके बाद है द सिंपोजियम, ये प्लेटो का वर्क है सिंपोजियम. प्लेटो के वर्क को ट्रांसलेट किया है सैले ने. उसके बाद ओड टू वेस्ट विंड, लाइन इंपॉर्टेंट है, इफ विंटर कम कैन स्प्रिंग फॉर बिहाइंड द डेविल्स वर्क. देखो डेविल्स थॉट जो है वो ऊपर लिखा गया था, डेविल्स वर्क लिखा है इसने. और उसके बाद है इंग्लैंड इन 1819, द वंडरिंग जू, द ट्रम्प ऑफ लाइफ. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम दो क्वेश्चन आए थे पीबी सैले से, ट्रम्प ऑफ लाइफ के बारे में पूछा गया था, कौन सा इनका वर्क जो है वो अनफिनिश्ड है. ये पोएम है पीबी सैले की जो अनफिनिश्ड है, द ट्रम्प ऑफ लाइफ. नेक्स्ट पोएट है जॉन कीट्स, 1795 से लेकर 1821, अर्ली एज में ही डेथ हो जाती है टीबी की वजह से. एंडेमियन इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, चार बुक्स है, डेडिकेट किया गया है थॉमस चैटरटन को. और इसमें जो लाइन है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर, जो 12th क्लास में पोएम है ये. उसके बाद हाइपेरियन लिखा है, अनफिनिश्ड एपिक पोएम है, ये टाइटनोमैकिया पे बेस्ड है. इसको अनफिनिश छोड़ दिया था, लेकिन बाद में फिर दोबारा से टाइटल उठाया, ये द फॉल ऑफ हाइपेरियन के नाम से इसको पब्लिश किया गया, जिसका
सब टाइटल है ए ड्रीम। इसमें लाइन आपको पढ़नी है ये, फर्स्ट इन ब्यूटी शुड बी फर्स्ट इन माइट। इसमें सेलेस्टियल लास्ट वर्ड है और फिर लास्ट वर्ड इसने जब अनकंप्लीट छोड़ा तो कंप्लीट किया इसने रिचर्ड वुडहाउस ने। उसके बाद ला बेलेटेंसेंस मर्सी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जो कहां से आया है। इसमें फीमेल फेटल कंसेप्ट को यूज किया है, आई मेट ए लेडी इन ए मिड्सफुल ब्यूटिफुल फेरी चाइल्ड, हर हेयर वॉज लॉन्ग एंड हर फुट वॉज लाइट एंड हर आईज वर वाइट। मतलब फीमेल फेटल होता है जब एक फीमेल किसी भी मेल को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है, बाद में उसको कर्स करती है, ठीक है, इसको बोलते हैं फीमेल फेटल कॉन्सेप्ट। लामिया है, लामिया एक स्नेक वुमेन होती है। इसमें लूसियस इसका लवर होता है, जब लूसियस को बाद में पता चलता है कि एक स्नेक वुमेन है तो वो बेचारा दुख से मर जाता है। उसके बाद द एव ऑफ सेंट एग्नेस, सिर्फ टाइटल पढ़ लेना, ओड टू साइकी। इनके जो ओड है इसमें लाइनें इंपॉर्टेंट है, काफी मोस्ट पॉपुलर ओड लिखे हैं जॉन किट्स ने, ओड टू साइकी है और टी एस एलियट ने बोला है कि इनसे बेहतर ये इनकी रेपुटेशन के लिए और कोई पोइम हो ही नहीं सकती, ओड टू साइकी के लिए बोला है। और हैरल्ड ब्लूम ने भी प्रेज किया है इसको। ओड टू ग्रेसियन अन लिखा है, ग्रेसियन ग्रीक, इसमें रेफरेंस लिए गए हैं, हार्ड मेलेडीज आर स्वीट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ओपनिंग लाइन है, दोज स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस फॉर द फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, हार्ड मेलेडीज आर स्वीट बट दोज अनहियर्ड आर स्वीटर। उसके बाद ओड टू इंडोलेंस लिखा है, ओड टू नाइटिंगेल है जो इसकी जर्नी को डिस्क्राइब करता है इन द स्टेट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी टर्म को इनकी है, जॉन किट्स ने स्पेशली प्राइमली यूज फॉर द टर्म फॉर शेक्सपियर के वर्क के लिए, और इगोस्टिकल सबलाइम यूज किया है प्राइमरीली फॉर द यूज फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए यूज किया है। उसके बाद है ऑन फर्स्ट लुकिंग इन टू चैपमैन होमर, जो जॉर्ज चैपमैन है उन्होंने क्या किया, होमर को ट्रांसलेट किया है, उनकी ट्रांसलेशन पढ़ के काफी इंस्पायर हुए जॉन किट्स, तो उनको प्रेज किया है यहाँ पे। जो इमोशनल पावर होती है ग्रेट वर्क को क्रिएट करने की, यानी कि एपिफेनी जो क्रिएट करते हैं, एपिफेनी होती है जो अंतरात्मा से जो आवाज आती है, ये वर्ड वैसे कॉइन किया है जेम्स जॉयस की जो नोवेल है उसमें यूज किया गया है ये। उसके बाद है इजाबेला और द पोर्ट ऑफ बेसिल, स्टोरी मिडिल एज में सेट की गई है, बोकैसियो के डी कैमरोन पे से अडॉप्ट किया गया है इसको। उसके बाद है स्लीप एंड पोएट्री, ओड टू ऑटम, इट इज मेडिटेशन ऑन डेथ, किड्स रिस्पॉन्स टू पेट्रलू मैस्करी, ये रिस्पॉन्स में लिखी गई है पेट्रलू मैस्करी, एक मूवमेंट है, एक फाइट है ये। उसके बाद है ब्राइट स्टार और देन ओथो द ग्रेट, ए ट्रेजिडी इन फाइव एक्ट्स, पांच एक्ट की ट्रेजिडी है ये। उसके बाद अगले हमारे पोएट आते हैं लॉर्ड बायरन, सेलेब स्टेटस वाले पोएट थे, ठीक है, काफी हैंडसम थे, बहुत सारी रॉयल क्लास की जो लड़कियां थी वो इनसे मिलने के लिए बोलती थी, लेकिन ये कहता था कि तुम मेरे से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लो, इस तरह के लंगड़ा था थोड़ा सा, लेकिन हैंडसम काफी ज्यादा था, तो लड़कियों की लाइन लगी रहती थी मिलने के लिए। और रियल में इनका नेचर ऐसा था कि बाय कैरेक्टर वो काफी बैड था, क्योंकि बहुत सारे अफेयर होने के साथ साथ इनकी एक कजन थी उनके साथ भी ऐसा माना जाता है कि अफेयर था इनका। इनका वर्क है डॉन जुआन, बट इससे लिटरेचर में कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि लिटरेचर में सिर्फ राइटिंग देखी जाती है, राइटिंग की वजह से पॉपुलरिटी मिलती है, तो पर्सनल चीजों को साइड में ही रखा जाता है। न्यू क्रिटिसिज्म वाले भी ये बोल रहे हैं कि हमें टेक्स्ट पढ़ना है, पर्सनल उनके किसके साथ अफेयर चल रहे हैं, कितनी शादियां हुई है, तो ऐसे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद है, हाँ, डॉन जुआन है इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, अपोजिट दिखाया गया है अपने कैरेक्टर के, ये रियल लाइफ में वुमन को सेड्यूस करता है, लेकिन डॉन जुआन का कैरेक्टर है इसमें वुमन डॉन जुआन को सेड्यूस करती है। इनकी मदर है डोना इनेस और फादर है जोस इनेस। पहली जो लेडी है जिससे प्यार हो जाता है, जिसको प्यार हो जाता है किससे, डॉन जुआन से, वो है डोना जूलिया, इसी की मदर की फ्रेंड होती है ये, 17 कैंटोज में लिखा गया है और 17 वाला अनफिनिश्ड है। थर्ड कैंटोज में ये वर्ड्सवर्थ साउदे कॉलरेज जो फर्स्ट जनरेशन के पोएट है इनको इन्वर्ट किया है इसने, इनको क्रिटिसाइज भी किया है। और 11th कैंटोज में जॉन कीट्स के बारे में बोला है कि कीट्स एक ऐसा एक पोएट था जिसकी एक क्रिटिक की वजह से डेथ हो गई थी, ठीक है। और फिर लास्ट वाले कैंटो में
इसने खुद को कंपेयर किया है मार्टिन लूथर से और गैलीलियो से। गैलीलियो एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमर रहा है एक टाइम का, और मार्टिन लूथर ये रिलीजियस रिफॉर्मर है, इनके साथ कंपेयर किया गया है, इसने खुद को कंपेयर किया है। नेक्स्ट है द ब्राइड ऑफ एबिडोस, चाइल्ड हैरोल्ड पिलग्रिमेज। और चाइल्ड हैरोल्ड पिलग्रिमेज भी इंपॉर्टेंट है, इसमें बायरनिक हीरो वाला कॉन्सेप्ट है, बायरनिक हीरो, ऑटोबायोग्राफिकल कंटेंट है इसका, और ये डेडिकेट किया गया है लेंथ एक फ्लावर को। इसमें बायरन ने बोला है आई अवेक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस, कि मैं सुबह उठा और मैंने खुद को पाया कि मैं काफी पॉपुलर हो गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है इसका। सी वॉक्स इन ब्यूटी, ये टॉम स्टॉपर्ड ने आर्केडिया लिखा है, आर्केडिया में ये लाइन यूज की गई है, सी वॉक्स इन ब्यूटी आर्केडिया, और किस कौन से पोएट ने लिखा है, फिलिप सिडनी ने। उसके बाद बेप्पो ए वेनेथियन स्टोरी, ओटावा राइमा में लिखा गया है, स्टोरी लोरा एंड बेप्पो की कहानी है, बेप्पो खो जाता है सी वॉयज के ड्यूरिंग, तीन साल तक वो वापस नहीं आता, तीन साल बाद जब वापस लौटता है तो वो पाता है कि उसकी जो वाइफ है लोरा वो किसी और के साथ एंगेज्ड हो गई है जिसका नाम था द काउंट, लेकिन जब वो वापस आता है तो वो बेप्पो के साथ ही रीकाउंट हो जाती है, रीयूनाइट हो जाती है, और जो ये द काउंट होता है इसकी फ्रेंड बन जाती है। उसके बाद है द विजन ऑफ जजमेंट, ये साउदे के रिप्लाई में लिखा गया है, ए विजन ऑफ जजमेंट, जिसकी वजह से रॉबर्ट साउदे अपनी रेपुटेशन रिकवर ही नहीं कर पाया, इतनी ज्यादा मतलब बुरे तरीके से स्टेरिकल फॉर्म में लिखा गया है ये। उसके बाद है मेजेप्पा, ये एक पॉपुलर लेजेंड पे बेस्ड है, इवान मेजेप्पा जो कि एक मिलिट्री लीडर है यूक्रेन का। तो इस पोएम में जो मेजेप्पा है उसका एक लव अफेयर था एक पोलिस काउंटेस के साथ, थेरेसा नाम है उसका, लेकिन जब उसको पता चलता है, किंग जॉन सेकंड का पेज बॉय था ये, काउंटेस थेरेसा वॉज मैरिड टू ए मच ओल्डर काउंट, ये जो थेरेसा है ये मेजेप्पा, हाँ मेजेप्पा का इसके साथ अफेयर होता है, और थेरेसा की शादी हो जाती है एक ओल्डर काउंट से, ठीक है, एक बूढ़ा सा काउंट है उसके साथ शादी हो जाती है, लेकिन जब इस काउंट को पता चलता है थेरेसा का अभी भी अफेयर है मेजेप्पा के साथ, तो ये से जितना भी धन इसने दिया था, जो गहने दिए थे वो सारे वापस ले लेता है, और इस मेजेप्पा को वो पनिश करता है, एक हॉर्स पे बांध देता है उसको नेकेड, और वो उसे चक्कर लगवाता है, फिर इस तरह की पनिशमेंट उसको दी गई थी। इसमें एक रेफरेंस है, ये किस पे बेस्ड है, कैंडिडेट वर्क है, और ऑल फॉर द बेस्ट अल्टरनेट टाइटल है, वोल्टायर का वर्क है, उस पे बेस्ड है ये। नेक्स्ट उसके बाद इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स, इसमें इमिटेट किया है इसने अलेक्जेंडर पोप का एक वर्क है द डंसियाड, और कुछ रोमांटिक्स पोएट हैं जिनको क्रिटिसाइज किया है, जैसे कि वर्ड्सवर्थ है, कॉलरिज, फ्रांसिस जॉफरी, ठीक है, लेकिन प्रेज किसको किया है, अलेक्जेंडर पोप और जॉन ड्राइडन को। नेक्स्ट है द पोएम ऑन वेरियस ओकेजन, द कॉर्सियर, लारा और ए टेल, सेज ऑफ कोरिंथ, ये सिर्फ टाइटल पढ़ लेना, द डिफॉर्म ट्रांसफॉर्म, मैनफ्रेड, मैनफ्रेड एक गोस्ट स्टोरी है, क्लोजेट ड्रामा भी इसको बोला गया है, और मतलब ये मैनफ्रेड गोथिक लिटरेचर का एग्जाम्पल है, ये गोथिक जोन में आता है। द टू फॉस्कारी एंड हिस्टोरिकल ट्रेजेडी टू थायर्जा, उसके बाद द प्रिजनर ऑफ चिल्लो, थायर्जा राय में हम लिखा गया, पेटार्स की एक पोएम है उस पे बेस्ड है ये, और दांते की डिवाइन कॉमेडी भी बेस्ड है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं चार्ल्स लैम, चार्ल्स लैम ने लिखा है पोएम ऑन वेरियस ओकेजन, एस टी कॉलरेज के साथ, ओल्ड फेमिलियर फेसिस, देन जॉन वुडवाइल, ओरिजिनल टाइटल था इसका प्रेड स्क्योर, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस और द एसे ऑफ इलिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसे ऑफ इलिया। इसमें इसको पब्लिश किया गया है लंडन मैगजीन में, और इलिया पेन नेम यूज किया है चार्ल्स लैम ने, सबसे पहले लंडन मैगजीन में यूज किया है, और इलिया इज द पेन नेम, हाँ ये पेन नेम है इसका, लेकिन सबसे पहले कौन से वर्क में यूज किया है वो अभी आगे है, साउथ सी हाउस, इसमें सबसे पहले यूज किया है, इट चार्ल्स लैम यूज्ड हिज नेम इलिया। उसके बाद द क्राइस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 years ago, ये भी बुक का नाम है, ये मैंने बोल्ड नहीं किया इसको, तो आप इसको अलग से लिख लेना, द क्राइस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 years ago। उसके बाद ब्लैक मूर इन एच शायर, ड्रीम चिल्ड्रन, रिवर्स, डेजर्टेशन अपॉन रोस्ट पिक, ये ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय चार्ल्स लैम। अभी काफी सारे राइटर और रहते हैं इसके, हेजलिट है, वॉल्टर स्कॉट, जेन ऑस्टन,
जेन ऑस्टन के अलावा थॉमस लव पिकॉक। ठीक है, इसको दो पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे। तो अगला पार्ट भी मैं इसका जल्दी डाल दूंगा, नेक्स्ट पार्ट इसी पे बनाऊंगा मैं। तो आप तब तक इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। रोमांटिक से काफी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो जितने भी अभी मैंने टाइटल बताए वो टाइटल सारे याद कर रहे हैं अच्छे से, और जो पढ़ने के लिए पोएम दी है वो पोएम भी आपको पढ़नी है। आपने पहले पढ़ी है तो प्लीज इनका अच्छे से रिविजन कीजिए। एग्जाम ज्यादा टाइम नहीं है, 1 महीना ही बचा है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आती है तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, इसलिए चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। और अभी कुछ टाइम बाद जैसे ही मैं रिवीजन खत्म करूंगा, रिवीजन के बाद मैं आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी दूंगा, और उसके साथ हम रैपिड फायर सीरीज को भी शुरू करेंगे जिसमें लाइव क्लासेस होंगी और काफी आपको हेल्प मिलेगी प्रिपरेशन में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे। हमारे साथ जुड़े रहें, बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।